अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रसूल मोहम्मद खान उर्फ जहांगीर है। मैं आसिफ नगर जेबाबाग में करीब 37 साल से कारोबार करता हूँ होटल पानशाप का। आज तक मेरे साथ ये वाकया पेश नहीं आया। कल एक बिहारी आया, आके क्या करा, सडन चाकू निकाला और मार दिया मेरे को। मार के बोल रहा है कि 10 दिन पहले तुम इन्हों गाली दिए थे मेरे को। मैं 10 दिन पहले उसको देखा ही नहीं, जबकि मालूम करा तो इन्हें आके 5 से 8 दिन हो रहा बोल के मालूम हुआ। फिर मेरे को 10 दिन हो रहा। मैं फिर सही साहब तफ्तीश जब करे, मैं कंप्लेंट भी करा, तफ्तीश करे तो क्या बोल रहा है कि भाई 10 दिन पहले इन्हें गाली दिया तो मैं मारा, इसकी पेट पर अंतड़ियाँ निकालने आया था मैं इसके, लेकिन इन्हें हाथ ला लिया बोल के बच गया बोल रहा। मेरे को अभी तक पुलिस से ना कोई FIR कॉपी मिली ना कुछ मिली। मैं बैठे हुआ हूँ, 2 दिन से मेरा कारोबार बंद है, मैं घर का जिम्मेदार शख्स हूँ। अब उन्हें खुला बोल रहा हूँ कि मैं इसको मारने चाहिए। अब साहब कल के दिन इन्हें मर्डर भी कर सकता है मेरा, तो पुलिस का भी ये काम है ना साहब, मेरे को FIR कॉपी देना, उसको बुलाना, उसको वो करना, इतना इसका काम पुलिस वालों का काम है। अभी तक कोई ऐसा एक्शन ही नहीं हुआ, खाली इसको रख ले के बैठे हुए बस टाइम पे खिला रहे। अब वो कौन प्रेशर डाल रहा, कौन फोन आ कर रहा, क्या है अल्लाह को मालूम। हम यहाँ पैदा हो के, यहाँ बड़े हो के, यहाँ पे अब मरने की मोमेंट पे आ गए, 52 साल की उम्र हो गई, यहाँ नहीं करेंगे। बाहर के लोग आके हम आपको काट दे रहे हैं यहाँ पे, अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा साहब? हम आप पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करना साहब इस बारे में, क्योंकि अगर मार दिए साहब, अब मार दिए, अब थोड़ी जान थी हमारे, हम बच गए, थोड़ा हाथ हुशारी कर लिए, क्या है अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। अब कोई आम आदमी को ऐसा करे तो कैसा होगा? आपको मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ हमारे एरिया की पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और इतवार के दिन वहाँ पे मंडी लगती साहब, वहाँ तो झगड़े आप कम से कम देख लिए तो 7 से 8, 10 से 12 लड़ाइयाँ होते ही रहते, वो औरतों को छेड़ना, भी लेके ठड़ जाना, वो गांजे के गोलियाँ खाना, क्या क्या की तमाशे हो। वो मंडी बर्खास्त होना साहब यहाँ से, मंडी की वजह से तमाम ये मसले मसाइल हो रहे ना, ये हो रहे। बाहर से बुला के ठहरते वहाँ औरतें आते बोल के, अब ये कोई समझ रहे नहीं इसको। प्लीज़ आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। आप DCP साहब, DCP साहब, कमिश्नर साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, बस आप इसके ऊपर थोड़ा एक्शन तवज्जो दीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है इंशाल्लाह।